दोबारा तू कैसे नहीं? अब हम ना हरा अगला टू और किसी और जगह गए, बस जो भी हमारे साथ रह के जाएगी अच्छी तरह ना। एक नाकाम चैलेंज करने जा रहे हैं मांगने वाला देख देख हम आगे जाते हैं आपको बताते हैं। अब लोग भी नहीं है जिनके साथ हम चैलेंज कर पाए। लेट्स फाइंड अनदर चैलेंज। हम एक और चैलेंज ढूंढते हैं, इनको एक और चैलेंज देते हैं। अब तक मैंने इनको दो चैलेंजेस दिए हैं, इन्होंने नहीं किए। तीसरा चैलेंज भी दिया जो कि मैंने खुद कंप्लीट किया, इन्होंने कंप्लीट नहीं किया। हम रुके हैं एक रैंडम स्टेशन पे, बस आई है, पता नहीं कौन सा स्टेशन है। टू बी ऑनेस्ट हम बड़ा रैंडम घूम रहे हैं, ये आसपास की चीज़ें हैं। हम पैदल सफ़र करते करते हम सारा व्लॉग कवर नहीं कर सकते हैं। बस आई है, हम इस बस में बैठेंगे, ये सामने बस आ रही है, हम इस बस में बैठेंगे और हमें नहीं पता कि हम कहाँ उतरेंगे। जहाँ पे हमें लगे कि हमें उतर जाना चाहिए हम वहाँ पे उतरे हैं। तो चलो चलते हैं। तो हम जा रहे हैं पूरी बस में इस वक्त, और कोई नहीं है हम तीनों के अलावा। इधर देखें ये पूरी खाली, ये खाली, ये जुनैद बैठा हुआ, ये मैं। हम अपने तो जुनैद का भी एक चैलेंज हो गया। तूने अब तक कोई चैलेंज कंप्लीट नहीं किया तूने अब तक कोई चैलेंज कंप्लीट नहीं किया। चल तू शर्ट उतार के 15 मिनट तक बाहर ये चैलेंज होता है। तो हो जाए भाई साहब, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो हम कहाँ हैं। अच्छा किफायत किफायत कह रहे कि हम किसी देहात पे आ गए। कहाँ पे आ गए आप? हम बस बस में बैठे रहे, आखिर में बस से ऐलान हुआ कि भाई जान ये आखिरी स्टॉप है, तुसी मेहरबानी करो इज्जत ना ले। अच्छा हम जंगल में आ गए, आसमान भी नहीं नजर आ रहा, लग रहा है सुपर भी बर्फ है, बर्फ का पहाड़ है। अच्छा तो खैर हम ऐसी जगह पे आए, टू बी ऑनेस्ट ये कोई फैक्ट्री है पता नहीं क्या, और सामने बिल्कुल रोड है और ना कोई बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग्स खत्म हो गई हैं। हम जब बस में बैठे और हम यहाँ पे उतरे। अच्छा वो बस तो है ना, उस पे चलते हैं। अच्छा ये बस डिपो है, खैर शायद ये अभी दोबारा निकलेगी। अच्छा वो ड्राइवर भी बोलेगा ये पागल लोग देखो ये क्या कर रहे हैं। क्या यार मतलब बोर हो गया, अभी कुछ है नहीं। क्या करना चाह रहे? चलो कपड़े उतार के नाचो। अच्छा कि फैन नाच तो सही थोड़ा। वैसे बस का आइडिया हमारा बिल्कुल बेवकूफाना था। उस साइड पे चलो सही हो रहा है, अब हम जलील हो रहे हैं। मतलब जिस बस से हम आए थे वापसी पे कोई बस नहीं आ रही, और हमने मैप खोल के नहीं देखा क्योंकि हमारा चैलेंज ये है कि हमने मैप देखना नहीं है, और हमें नहीं पता कि हम इस वक्त कहाँ हैं, कैसे हैं। बंदा ना बंदे की जात है, ना यहाँ पे कोई बंदा है ना बंदे की जात है, ना हमें पता है हम इस वक्त कहाँ हैं। लेकिन जलील हो रहे हैं, सर्दी ज्यादा हो गई है पहले से, तो मुझे ज्यादा फील हो रही है, जिनको फील हो रही है नहीं। आसपास जंगल है भाई, तो भाई ये कौन सा जंगल इतना डेवलप होता है? दरख्त को तू जंगल बोल रहा है? इनके घर में छोटा सा पौधा था, कहते हमारे घर में जंगल है। ये वही है जो कहते थे हमारे पुदीना के बाग हुआ करते थे। तो फिलहाल जलील हो रहे हैं, पता नहीं हम कहाँ हैं, पता नहीं पीछे से बस आएगी नहीं आएगी। बस तो नहीं आएगी क्योंकि वो एक ही बस थी जो निकल गई हमारे सामने, वो भी ओवरनाइट नहीं थी, पीछे बॉर्डर था और अच्छा हम पीछे गए एक जगह पे, कहते हैं उस तरफ जाते तो वहाँ पे आगे बैरियर्स लगे हुए थे। किफायत कहते हैं ये फिनलैंड का बॉर्डर है भी है ना, मॉस्को में फिनलैंड का बॉर्डर आ गया था। खैर हम आगे जाते हैं, ये सामने पुल है तो हम राइट लेते हैं, अब तक तो लेफ्ट ही लेते आ रहे हैं, अब राइट लेते हैं और देखते हैं कि हमें आगे राइट लेंगे तो ज्यादा
दोबारा लेफ्ट लेंगे तो हम शहर की तरफ जाएंगे। तो एक किस्सा जो हमें यहाँ से मिला कि कभी भी कोई काम करते हो लेफ्ट ही लेना, हमेशा राइट लेंगे। तब हम राइट लेंगे, राइट पे जाके पता करते हैं कि क्या हो सकता है। हाल तो अगर टाइम की बात की जाए तो तीसरा घंटा स्टार्ट हो चुका है, 2:35 हो रहे हैं, हमारे पास तकरीबन 3 हो रहे हैं सर्वाइव करने को। ठंड का कुछ भी नहीं अभी खाने को, कुछ नहीं है अभी, हमने कोशिश की कुछ ढूंढने, वो केले ले लिए थे क्या लिया था कितने लिए हैं तुमने मैंने नहीं लिया खैर हम जाते हैं ढूंढते हैं स्टेशन या बस या कुछ भी चीज जो हमें शहर के करीब लेकर जाए मुझे लग रहा है कि हम जंगल बगैर दरख्तों वाला जंगल। तो हम जाते हैं या लिफ्ट पकड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी तरह हम शहर के करीब पहुंचते हैं। अच्छा एक और फैक्ट बताऊँ ना कि फायद को दो चीजें नजर आती है, 2-3 दरख्ते देख ले या तो इसको जंगल लगना लग जाता है या इसके पास कोई बचा हुआ खाना हो तो कहते हैं रखो रखो कबूतरों को देंगे। तो हम जाते हैं, हम राइड ले रहे हैं और पीछे से कोई गाड़ी आए तो लिफ्ट जरूर मांगे, कुत्तों से मर्डर हो खैर, लेकिन पीछे कोई गाड़ी आए तो उसे लिफ्ट मांगो। और हम कोशिश करते हैं कि हम कोई आबादी के करीब पहुंच। यहां के कुत्ते बड़े पोलाइट हैं, काटते नहीं। वो सबसे पहले इस पे ही भौंका था। हम बहुत ही एक गंदी सिचुएशन में फंस गए हैं। एक्चुअली में हम किसी हाईवे पे फंस गए, हमें नहीं पता ये कौन सी जगह है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है कि हमारे पास फुटपाथ नहीं है। अगर फुटपाथ नहीं है हम हाईवे के बीच में नहीं चल सकते हैं, गाड़ी कोई 80-120 की स्पीड से जा रही है। सो दिस इज समथिंग लाइक जो कि अनकंफर्टेबल फील हुआ। हम वहाँ तक गए बिल्कुल एंड पे, इस रोड के एंड पे देखेंगे, हम वहाँ तक गए और फिर हम वापस आ गए। आगे कुछ नहीं था, गाड़ियाँ थी और रोड था जो कि बहुत तेज ट्रैफिक जा रही थी उस पे। अब हम नहरा अगला टूर किसी और जगह गए, बस जो भी हमारे साथ रह जाएगी अच्छी तरह ना यार बांध के रखे। अब ये देख लो कि जो क्रेजीनेस हो रही है यहाँ पे ना, तो आगे जो हमारा प्लान है या चैलेंजेस आने वाले हैं वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाले। अगर तो होने वाला है तो हमें ज्वाइन ना करें क्योंकि जंगल तो नजर आएंगे। दिखा ना, दिखा ये क्या है, ये जंगल मान सकते हैं इसको भी जंगल बोल रहा है। ये कैसा जंगल है, इधर घर है उधर जंगल है, शेर जंगल में रहते हैं। नहीं तो हम उधर क्यों जा, शेर शेर का दोस्त भी शेर। अच्छा फाइनली हमें फुटपाथ मिल गया। जब तक आपके पास फुटपाथ है तो मतलब इजी सीन है, ये वॉकिंग वाली जगह। तो हम जाते हैं कोई ढूंढते हैं। तूने वहाँ जाना क्यों है, वहाँ बहुत अंधेरा है जुनेद। वो टॉप 3 में तुझे बताएं, तू टॉप 10 आना हमारे फ्लोर पे, तुझे बताएंगे अंधेरे में क्या। अच्छा हम एक साइट पे गए, हम वहाँ से कुछ लोगों से पूछ रहे थे कि क्योंकि हमने खुद पे बैन किया हुआ है, आप लोग को लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी आर रियली डेडिकेटेड टू आवर गोल। मैं उसकी रीज़न लास्ट में बताऊँगा कि ऐसा हमने क्यों किया। हम जब ऑफलाइन भी होते हैं, मतलब सारा टाइम तो हम वीडियो नहीं कर सकते हैं, जब हम वीडियो नहीं भी कर रहे होते हैं हम क्यों नहीं मैप देख रहे हैं, इसकी रीज़न मैं बिल्कुल वीडियो के एंड में बताऊंगा। वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम आए एक लोकेशन पे जहाँ पे हमें ये शॉप्स मिली हैं। पहले हम एक पुल की साइड पे गए थे जो कि रास्ता बिल्कुल गलत था, मतलब वहाँ से रास्ता नहीं था। 4 चल रहा है तो हमें एक शॉप मिली, तो वहाँ से हमने चाय पकड़ी अपने लिए गरम गरम, तो हम चाय इंजॉय कर रहे हैं। फाइनली हमें रास्ता मिल गया कि किस रास्ते से हमने जाना है, तो हम जाते हैं वापस। अब पैदल ही जा सकते हैं क्योंकि इस टाइम हमें बस नहीं मिलेगी, हमें टैक्सी मिल सकती है जो कि हमने चूज़ नहीं करनी क्योंकि फिर चैलेंज नहीं रहेगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए हमने बाहर ही स्टे करना है पूरी रात। तो हमारा प्लान ही यही था कि हम रैंडम घूमें, लाइक कोई स्पेसिफिक लोकेशन चूज़ करके ना घूमें, अगर स्पेसिफिक होता फिर वो चैलेंज ईजी हो जाता। तो अब हम जाएंगे पैदल पैदल चाय ख़त्म करके और आपको बताते हैं आगे क्या होता है। अच्छा तो फाइनली हम एक स्टेशन पे पहुंचे, ये मेट्रो स्टेशन नहीं है, स्टेशन भी बोलते हैं।
खैर ये मेट्रो का स्टेशन नहीं है, थोड़े पागल हो गए हैं क्योंकि तो एक स्टेशन पे पहुंचेंगे। ये मेट्रो स्टेशन नहीं है, ये है ट्रेन स्टेशन। पता नहीं एक दूसरी चीज चलती है जिसको ट्रेन कह सकते हैं, मेट्रो भी ट्रेन ही होती है लेकिन यहाँ पे एक और सीन चलता है। तो हम दूसरी तरफ एग्जिट लेते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो सकता है। और अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन इस वक्त नहीं मिलेगी हमें, वो भी जाएगी फिर 5 बजे के करीब। तो देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। कीतागढ़ से हम गए इधर तगंसकाया से इधर प्रतुल्सकाया से हम इधर ये ग्रीन लाइन पे गए। हाँ इधर शिफ्ट हुए, इधर से हम पिचातिनकी आए, पिचातिनकी से हम बस पर बैठे और अल्लाह की फजल व करम से हम इस वक्त इधर आ गए। क्रॉस गए इसलिए हम पीछे ही थे, कुरियानवो पर आ गए और कुरियानवो पर आकर हम तकरीबन दो नहीं ये तो हम इधर घूमे हैं काफी है ना अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर से हम वैसे काफी एंजॉय किए। सीन ये था कि ऊपर है चादर और अचानक से बर्फ पिघली है जो कि नीचे गिरी है, जिसकी आवाज थी जो कि आपने वीडियो में ऑलरेडी देख ली होगी, सुन ली होगी। एक सेकंड्स तक हमारा रिएक्शन ऐसा था कि ये क्या हो गया अचानक से। और टू बी ऑनेस्ट आसपास कोई नहीं है, कोई नहीं मतलब ना बंदा ना बंदे के साथ सिवाय हम तीनों के। और ये देख लें आप लोग आसपास मतलब दूर दूर तक देयर इज नो वन। ये जंगल भी नहीं है, अच्छा खासा शहर है। और ये देखें अच्छा ये बस का स्टेशन तो आ गया ब्रो, उधर भी है मतलब ऐसी एक एक गाड़ी मिलती जाएगी आपको, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। तो सही बात है, और आपको कुछ नहीं मिलेगा मतलब सिर्फ हम तीन पागल हैं जो कि इस मिशन में निकले हैं। वैसे आपने क्या सोच कर आया ये तो बताओ यार। देखो एडवेंचर होना चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए। कल को जब हम यहाँ पर नहीं होंगे तो ये कम से कम हमारे पास देखने को यादें तो होंगी। ये अच्छी बात की है वैसे। खैर हम देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है यार। अगर इस तरह के एक्सपीरियंस आपको होता रहे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और दिस इज द पॉइंट, अगली चीजें आपको लेकिन जो ये एडवेंचर्स होते हैं जहाँ पे आप अपने कम्फर्ट जोन से निकलते हो और एक डाइविंग करते हो एक चैलेंज में या एक सख्ती में, टू बी ऑनेस्ट जो मैंने चैलेंजेस प्लान किए हैं मजीद जिंदगी के लिए, सो दिस वॉज द मोस्ट ईजीएस्ट वन। ठीक है लाइक दिस इज अ वेरी इजी वन। रात को निकलो और जब तक मुश्किल नहीं बर्दाश्त की, हम तो कुत्ता नहीं पड़ा हमारे लिए लगा। हाँ हम जलील हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ईजी था, सर्दी है मुश्किल हो रही है, हमारे पैर तक गए हैं, हम बैठे नहीं हैं, हम मैप्स यूज नहीं कर रहे हैं, सोए नहीं है, और लैंग्वेज का सबसे बड़ा बैरियर है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अगर हम किसी से पूछ भी रहे हैं, और बस हम चल रहे हैं रैंडमली। क्यों
खैर मतलब फिर भी वो लैंग्वेज का वो बैरियर तो आता है ना कि चाहे मैं जितनी भी आती हो तो ये सीन है। अब तूने थोड़ी देर पहले क्या बोला? ऐसे मारा पूछता है कहते यार मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने सुरंगे कैसे खो दी तू कैसे उसके कैसे तू नहीं तुझे क्या लगता है कैसे खो दी नहीं तुझे क्या लगता है कैसे खो दी हम दोनों का फ्री का कार्ड लग गया, मतलब हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है? इसका भी लग गया, मेरा सोशल कार्ड लगे और इस बंदे का कार्ड नहीं लगना। तू हमेशा जो बचत का सोचता है ना, ये होना है तेरे साथ। एक्चुअली हम आए थे इतनी दूर कैब में मजबूर है जो ये कौन सी ट्रेन है कि भाई तो हमें ये वाली ट्रेन पकड़नी पड़ी है क्योंकि हम बहुत दूर आ गए थे। सो वी आर गोइंग टू इन टू दिस, हम इस पर जाएंगे और वी आर द फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट ट्रेन ऑफ द डे और बिल्कुल खाली है। हम इसमें बैठेंगे और ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हम जाएंगे इस ट्रेन में अपनी अगली लोकेशन पे जहाँ पे हम उतरेंगे और फिर आपको बताते हैं कि हम क्या उतरते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि हम बहुत दूर आ गए हैं। इस वक्त ना हमें बस मिलेगी ना हमें कोई दूसरी ऑप्शन मिलेगी। सो ऑल वी गॉट इज लाइक वी हैव टू टेक दिस ट्रेन और उसके बाद हम जाएंगे दूसरे जहाँ पे हमें उतरना है। हम आ गए मेट्रो स्टेशन पे। आपको मैं टाइम दिखाता चलूँ, टाइम हो रहा है 5:03। हमारा चैलेंज ऑफिशियली एंड होगा 5:30 पे, क्योंकि 5:30 पे मेट्रो दोबारा ऑपरेट करना शुरू करती है। दरवाजे बंद हैं मेट्रो के, मतलब हम दरवाजों के सामने रुके हैं और हालत ये है कि किफायत कितना तक है सच सच ही मान से बताएं। मैं वैसे पूछूं तो जितना हम चल रहे इतना और चल सकते हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो मैं पता नहीं सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरी एनर्जी तो डाउन हो गई है। मेरी आवाज़ से भी शायद आप लोगों को लग रहा हूँ डाउन इन माय एनर्जी। अभी हम दोबारा जा रहे हैं। अच्छा काश हम बोल रहे थे ना, काश काश यहाँ पे वो चने पुड़ियाँ आए। वैसे एक बात बताऊँ, खैर इस टाइम मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने बेड पे जाऊँ, गर्म कमरे में जाऊँ, शायद मैं वहाँ पे भी नाश्ता ना करूँ और बस सो जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। हम बहुत ज्यादा चले। अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो आप अजीम भाई, सलमान भाई किसका नाम ले लिया, इन दोनों में से किसी एक पर रब्ता कर सकते हैं तो वो आप इनकारी करेंगे। सलमान भाई अजीम भाई डिग्रेड कर रहे हैं आप लोग को, दिखाएं मेहमान नवाजी दिखाएं। बस वो थोड़े से यार लेजी है, बाकी बस अच्छा बस वर्ड लेजी। अभी तू बहाने ना कर, तू उस पे हंस रहा है पहले, अब तू ये ड्रामे कर रहा है। बहरहाल हम दरवाज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, बंद दरवाज़ों का। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है हम अंदर जाते हैं और पकड़ते हैं अपनी ट्रेन। सम हाउ इट वॉज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आया, हमने काफ़ी इंजॉय किया। जूते भीग गए, पैंट नीचे से नीचे खराब हो गई है। मेरी तो नहीं खराब हुई, हाँ जूते हैं थोड़े बैड सीन हुआ है। खैर हम जाते हैं अंदर, आपसे अंदर मिलते हैं, क्योंकि अभी भी हमने आधा घंटा यहाँ पे जलील होना है, इतनी जल्दी ये खुलेगा नहीं। सो आवर चैलेंज हैज बीन ऑफिशियली एंडेड एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल इन दैट। बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया, एक एडवेंचर था, आसान भी नहीं था, मुश्किल था। ऐसी सिचुएशन थी कि हम थक गए थे और ऐसी सिचुएशन थी कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, बट समहाउ वी मैनेज्ड इट और हम हारे नहीं। बीच में इन्होंने बोला कि, और हम सब ने बल्कि मिलके बोला कि हम टैक्सी करा लेते हैं, लेकिन मैप देख लेते हैं, लेकिन अभी से लाइक वी वर सेइंग नहीं, फिर वो चैलेंज चैलेंज नहीं रहेगा। बेसिकली गेम तेरी अपनी लिमिट को टेस्ट करने की
आप अपनी लिमिट टेस्ट कीजिएगा, आप में वो सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो कि आपको खुद नहीं पता होती है, ठीक है। सो अ पर्सन कैन डू एनीथिंग। सो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा, और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।